कमिश्नर हैं WPC या WPPIL 4290 ऑफ 2022, ये 2021 का ये केस है जो उन्होंने किया है और उसी के संदर्भ में आज पीसी बुलाई गई है, क्योंकि आज ये केस टेकअप हुआ था हाईकोर्ट में और कुछ अलग तरह से भ्रामक न्यूज़ छप रहा है और न्यूज़ आ रहा है, उसके संदर्भ में हमने ये केस बुलाया है। ये माननीय मुख्यमंत्री और उनके और लोगों के सदस्यों के शेल कंपनी के संदर्भ में बाबत ये केस किया गया है PIL। ये PIL 8 अप्रैल 2022 को टेकअप हुआ था और कोर्ट काफ़ी नाराज भी था, माननीय मुख्य न्यायाधीश का कोर्ट था और उस कोर्ट ने उसमें 8 अप्रैल की जो सुनवाई हुई थी उसमें काफ़ी कोर्ट भी काफ़ी सख्त था कि उन्होंने कोई ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लिखा दिया है अपने एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिट पिटीशन में नहीं लगाए गए हैं या सफिशिएंट नहीं है। तो उन्होंने 2 हफ्ते का समय लिया कि हम सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल करेंगे पिटीशनर के वकील ने, जिसके वकील राजीव कुमार हैं। वो परसों 20 तारीख को 21 को उन्होंने एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया इस केस में, करीब 400 पन्ने का, और उसमें बहुत सारे कागज बहुत सारे तथ्य इसमें डाले गए हैं और काफ़ी इसको बड़ा और मोटा बनाया गया है और इसको आज ये केस टेकअप हुआ था। और इसमें सरकार के तरफ से ये स्पष्ट तौर पे बताया गया कि सारे कागज जो आज के जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट में जो पिटिशनर ने लगाया है, ये सारे तथ्य और सारे कागज दीवान इंद्रनील सिन्हा ने एक PIL फाइल किया था 2013 में, इसका रिट संख्या है WPPIL 4218 ऑफ 2013। ये सारे तथ्य सारे एलिगेशंस और सारे कागज उस रिट पिटीशन से PIL से पूरे उठा करके और एकदम कॉपी पेस्ट और निकाल करके प्रिंटआउट निकाल करके फोटो करा करके इस सप्लीमेंट्री में डाला गया है। और इस सप्लीमेंट्री में शिवशंकर शर्मा ने यह स्पष्ट तौर पर कहा भी है कि दीवान इंद्रनील सिन्हा ऐसा उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया था, लेकिन सरप्राइजिंगली वो ये कहना भूल गए खास तौर पे और जानबूझ करके कि दीवान इंद्रनील सिन्हा ने इसी कागज और इन्हीं तथ्यों के आधार पर जो अपना PIL फाइल किया था 2013 में 4218 और 2013, वो 22 नवंबर 2013 को डिसमिस हो चुका है डिवीजन बेंच के ऑर्डर से, उसमें के माननीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भानुमति का कोर्ट था और उनके ऑर्डर से ये केस डिसमिस हुआ और उनके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा था उस केस में। इस तथ्य को छिपा करके वही कागज को आज फिर से सप्लीमेंट्री एफिडेविट में डाला गया है और हम लोगों की तरफ से ऑब्जेक्शन हुआ, तो इसको देखते हुए गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश ने आज स्पष्ट तौर पर पिटिशनर को कहा है कि अगर ये तथ्य सही है तो उन पर बहुत ही बड़ी और ऊंची कड़ी कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर और जो ये केस है WPPIL 4218 और 2013 का सारा रिकॉर्ड्स कोर्ट ने मंगवाया है और इस ऑर्डर आज का जो ऑर्डर पास हुआ है उसमें इस केस के रिकॉर्ड्स को साथ में अटैच करने का आदेश पारित हुआ है। और इतनी बड़ी ऑर्डर और इतना स्पष्ट और कड़ा ऑब्जर्वेशंस पता नहीं मीडिया से कैसे छिपा रह गया, मुझे ताजुब होता है। दूसरी बात ये बार बार आ रही है कि ईडी का कोई इंक्वायरी और रिपोर्ट नहीं है। ईडी इस केस में एक पार्टी है, रिस्पोंडेंट है, उसको कॉपी सर्व करने के लिए एक सिर्फ आदेश हुआ है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को पार्टी बना करके उसे एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट मांगा गया कि जो तथ्य हैं जो जितने सारे कंपनीज का जो ब्यौरा दिया हुआ उस कंपनी का लीगल वेरासिटी का एक रिपोर्ट देना है। और स्पष्ट तौर पर ये ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का, बहुत कड़ा रुख था कि अगर ये एलिगेशन गलत हुए और ये जो अगर पुराने तथ्यों पर जो रिट पिटीशन डिसमिस हुआ है तो उन पर बहुत ही कड़ी और बड़ा कार्रवाई किया जाएगा। और ये मैं कॉपी आपके स्पष्ट तौर पर आप ये ले सकते हैं हमसे, जो दीवान इंद्रनील सिन्हा के नाम से फाइल हुआ था और इसके वकील भी राजीव कुमार थे और ये जो शिवशंकर शर्मा जो उन्होंने आज सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया उसके भी वकील राजीव कुमार हैं और सारे तथ्य मैं आपको दे सकता हूँ। ये 400 पन्ने का जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल हुआ है आप इसमें खुद देख लें और पहले का जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट दीवान इंद्रनील सिन्हा का जो फाइल हुआ था आज ये है, सारे कागज 2013 का ये लगा के इन्होंने फाइल किया है इसमें और ये कागज 50,000 कॉस्ट के साथ वो केस डिसमिस हुआ था। ये बात नहीं आ रही है आपके समक्ष लाने के लिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।